अब ये मेरा मन जला रहे हैं, बिल्कुल जला रहे हैं यार। ये देखो, ये देखो। वेरी गुड मॉर्निंग फ्रॉम माउंटेन्स, फ्रॉम कसौली। और भाई पीछे का व्यू देखो कितना प्यारा लग रहा है। सुबह सुबह के 7 बजे हैं और जैसे ही मैं खिड़की से बाहर देखा इतना प्यारा व्यू लगा गोल्डन रेज वाला, तो मैं फटाक से जाता हूँ और एक ड्रोन शॉट्स लेके आएंगे। प्रॉपर्टी को भी दिखाता हूँ मैं नीचे से, मतलब प्रॉपर्टी आज अच्छे से दिखाऊंगा, ऊपर से तो यार अलग ही दिखेगी। तो थोड़ा सा ड्रोन शॉट लेंगे। और ठंड लग रही है भाई सुबह सुबह। तो ये देखो, कल हम उस रास्ते से आए थे, वहाँ से मैंने दिखाया था जो ऊपर वाला पहाड़ है। तो यार कितना ही प्यारा लग रहा है, ये व्यू देखो यार, मतलब अल्टीमेट है बॉस। ये नज़ारे सिर्फ पहाड़ों में और यहाँ पे आके ही फील कर सकते हैं। कैमरा भी बहुत अच्छे दिखा देगा लेकिन आप फील भी करोगे, लेकिन जो असली मज़ा है ना, ये ठंड फील करना और भाई ये नज़ारे, आय हाय हाय। ये देखो यार बार बार, मतलब ऐसा है कि इसी को देखते रहे। और कल यहाँ पे अपना डिनर हो रहा था और ऊपर अपना रूम है उधर दूसरी साइड। तो भाई अभी एक दो ड्रोन शॉट लेते हैं और अपने दिन की शुरुआत करेंगे अच्छी सी। और भाई मैं चाय वगैरह तो बहुत कम पीता हूँ, लेकिन आज पीनी पड़ेगी थोड़ी सी, या फिर गर्म पानी पियेंगे। चाय तो रहने देते हैं सुबह सुबह खाली पेट, वैसे गर्म पानी पी के और फिर भाई रेडी होते हैं ब्रेकफास्ट के लिए। और तब तक आप ड्रोन शॉट्स एंजॉय करो। भाई आवाज़ सुन रहे हो, वो आ रही सुपर बाइक्स यार। आज कितनी आएगी यार, मेरे ख्याल से दूसरा ग्रुप है, सेकंड ग्रुप है ये। यहाँ से यार देखिए, देखो कितनी फास्ट ड्राइव करे यार। हाय हाय यार, अब ये मेरा मन जला रहे हैं, बिल्कुल जला रहे हैं यार। ये देखो, ये देखो। कितनी तगड़ी आवाज है, वो देखो एक ग्रुप और आ रहा है, ये देखो। तो जल्दी है भाई, अपनी बाइक भी ऐसे ही रोर करेगी हिल्स में, हम भी ऐसे ग्रुप्स भी आएंगे फिर। तो भाई ये अपने इवेंट का तीसरा दिन है और तीसरे दिन की शुरुआत ही इतनी तगड़ी हुई है, फिर से दो बाइक्स और आ रही है। बार बार उधर ही मन कर रहा है कि उधर ही रखे रहो कैमरा को। हाँ, यहाँ से जाते ही मैं टाइम टू टाइम अपडेट देता रहूँगा कि क्या कुछ प्रोसेस चल रहा है अभी बाइक का। और भाई रुका नहीं जा रहा ये आवाज़ सुन सुन के, क्योंकि अभी इवेंट्स कोई जम्मू का है, कई फिर से यहाँ का भी है नेक्स्ट मंथ। तो मैं ये सोच रहा हूँ कि जल्द से जल्द नेक्स्ट इवेंट से पहले अपनी बाइक आ जाए और हम भी ऐसे ही शोर मचाते हुए आए यहाँ पे। अलग ही मज़ा यार, डिफरेंट लेवल ऑफ फन है। तो अभी जाके मैं रेडी होता हूँ, सेकंड डे है। लेकिन हाँ, दो दिन की एक ही वीडियो बनाऊंगा मैं, क्योंकि कल ऐसा कुछ था नहीं दिखाने का। सुबह के ड्रोन शॉट्स मैंने कल ले लिए थे और आज थोड़ा सा ऊपर तक जाएंगे। इवेंट ख़त्म हो जाएगा अपना 2 बजे तक, हल्का फुल्का नाश्ता लंच करके फिर मैं सीधा कसौली ऊपर विजिट करूँगा। यहाँ से कसौली 2-3 किलोमीटर और ऊपर है, तो वहाँ पर जाऊँगा, थोड़ा बहुत दिखा दूँगा आपको और फिर उसके बाद मैं सीधा घर जाऊँगा भाई।
और घर की बहुत याद आती है ऐसे बाहर आने के बाद। तो आज शाम को मैं घर पे जा रहा हूँ और दो इवेंट्स आ चुके मेरे पास ऑलरेडी इन्हीं सेम ग्रुप के। फोटोग्राफी काफ़ी पसंद आई है भाई, ऐसे ही आगे बढ़ेंगे। और भाई एक बाइक और लॉन्च हो चुकी है, सुपर मिटी और इनफील्ड की 650। तो अभी सुबह मैंने इंक्वायरी की थी तो 9-10 दिसंबर के बाद उसकी बुकिंग्स ओपन हो जाएंगी और 2 महीने का वेटिंग पीरियड है। तो टेस्ट ड्राइव भी लेंगे उसकी, तो देखते हैं क्या कुछ रहता है। पहले एक बार Z900 आ जाए उसके बाद उसके बारे में सोचते हैं। मेरे को पसंद बहुत है भाई, कुछ नहीं पता, कुछ भी हो सकता है, ले भी लेंगे। तो अभी मैं जल्दी से रेडी होता हूँ और थोड़ा थोड़ा अपडेट देता रहूँगा, लेकिन हाँ प्रॉपर वीडियो ऊपर वाली शूट करूँगा मैं यहाँ का इवेंट ख़त्म होने के बाद। तो चलिए आपसे बाद में मिलता हूँ। तो भाई अभी नाश्ता आ चुका है और नाश्ते में क्या है, पोहा ब्रेड प्लस परौंठा और दही। और टाइम हो चुका है 8:44 और 9:30 से पहले अभी मीटिंग हॉल में पहुँचना है, तो आपसे मैं डायरेक्ट उधर ही मिलता हूँ। तो भाई शूट हो चुका कंप्लीट और अभी अपने राइडिंग गियर्स मैं पहन रहा हूँ और इसके बाद एक बार पेमेंट वगैरह करते हैं और निकलते हैं। आपसे मैं बाइक पे मिलता हूँ, थोड़ा सा काम है वो निपटा लेता हूँ। और भाई बताना वीडियो कैसी लगी, और मेरे को बड़ा मज़ा आया। तो नेक्स्ट टाइम जम्मू है और लोकेशन बार बार बताने का मन करा लेकिन मैं बताऊंगा नहीं, सरप्राइज़ है भाई, बहुत अच्छी जगह है, मज़ा आएगा एकदम मस्त। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, शेयर कर दो और लाइक भी कर दो अगर वीडियो पसंद आ रही हो। तो एक बार चीज़ें रेडी करता हूँ और मैं निकलता हूँ। तो 2 मिनट में बाइक कैसे स्टार्ट कर देता हूँ एक बार। और काफ़ी अच्छी प्रॉपर्टी लगी भाई, और एक बार निकलते हैं अपना होटल को, करते हैं बाय बाय। और भाई सारा सब कुछ अच्छा रहा, ट्रिप अभी तक का मज़ा आया एकदम फुल ऑन मज़ा एकदम भाई। आप भी बताना मेरे को वीडियो कैसी लगी, और भाई ऐसे रास्ते पे बाइक चलाने में अलग ही मज़ा आ रहा है, क्या ही चाहिए बंदे को जब ऐसे ऐसे नज़ारे देखने को मिलते हैं। और भाई थोड़ी सी ठंड भी बढ़ चुकी है, और जैसे ही मैं प्लेन एरिया पे आऊँगा तो ग्लव्स वगैरह डाल लूँगा। तब तक आप भाई नज़ारे का तो मैं ये सोच रहा हूँ भाई कि एक घंटे से पहले चंडीगढ़ पहुँचूँ, क्योंकि थोड़ा सा सनलाइट है अभी भी, और दिन के टाइम पे ही अगर प्लेन एरिया में चले जाते तो ठीक रहेगा बार बार जहाँ पे हम आते हैं। तो भाई अभी रिसेंटली जो मनाली किया है उसकी वीडियो भी आप चेक कर सकते हो, बड़ी इंटरेस्टिंग सी बनी हुई है भाई। प्री वेडिंग शूट करके आए थे हम एक अपने दोस्त का, तो एक बार ज़रूर चेकआउट करना। और भाई यहाँ से व्यू देखो कितना प्यारा आ रहा है, ये देखो कितना ही सुंदर व्यू आ रहा है यार, कितना अल्टीमेट है। तो भाई वीडियो बताते रहना कि क्या कुछ कमी लग रही है वीडियो में, तो टाइम टू टाइम उसको सुधारते रहेंगे। अभी शुरुआत की है, धीरे धीरे सीख जाएंगे भाई, हम भी लर्निंग फेज में हैं। तो जब तक अपनी न्यू बाइक नहीं आती तब तक इसी पे ऐसे ही कंटिन्यू करेंगे। और भाई अभी मैं मेन रोड पे आ चुका हूँ और अभी अपनी गाड़ी पकड़ जाएगी रफ्तार, क्योंकि अभी आ गया है डबल लेन वाला रास्ता, ऊपर तो वन वे था। और भाई सुबह जो सुपर बाइक्स जा रही थी वो इसी रास्ते से जा रही थी, वो ग्रुप शायद शिमला तक गया था, क्योंकि सेम ग्रुप थोड़ी देर पहले वापस आया था, वही सेम वही बाइक्स थी। दूर से पता लग जाता है, आवाज़ से भी पता लग जाता है कि कौन सी बाइक आ रही है कौन सी जा रही है। तो शिमला तक गए होंगे तो अच्छी बात है भाई, चंडीगढ़ का कोई ग्रुप होगा तो नज़दीक ही है शिमला, तो सही है यार, मज़े आते हैं बाइक पे, मतलब अलग ही शौक है ये तो, एक अलग ही किस्म का। जिसको एक बार ये शौक लग गया ना तो भाई वो नहीं निकलना किसी का। तो अभी मैं कैमरा को ऑफ करता हूँ और अपनी ड्राइव पे ध्यान करते हुए
अपना कंसंट्रेशन पूरी ड्राइव पे रखते हैं, और भाई आपसे रास्ते में मिलते हैं, जहाँ पे भी मैं स्टॉप लूँगा तो वहाँ पे थोड़ी सी वीडियो बनाएंगे। और इसी के साथ मैं लेता हूँ एक छोटा सा ब्रेक। तो भाई अभी हम आ चुके हैं पानीपत, क्रॉस कर चुके हैं और टाइम हो चुका है 9:51। और भाई पहला ब्रेक लिया मैंने कसौली के बाद, मैंने पेट्रोल भरवाया था और इसके बाद सीधा अभी ब्रेक लिया है। थोड़ा सा रिलैक्स हो जाऊंगा, थोड़ा सा पानी वगैरह पियेंगे और 2-4 मिनट का ब्रेक लेंगे, फिर जल्दी से पहुंच जाएंगे। भाई चंडीगढ़ से यहाँ तक बिल्कुल खींच के लिया, बढ़िया स्पीड में आए हैं, 80-90 ऐसी स्पीड आई है। और 2 मिनट का ब्रेक लेंगे फिर सीधा घर पे मिलते हैं। 1 घंटे का रास्ता रह गया मुश्किल से, 10-11 बजे तक मैं पहुंच जाऊंगा मोस्ट प्रोबेबली, और वीडियो घर पे जाके एंड करेंगे। और भाई हालत थोड़ी सी, ये देखो बाइक की भी दिखा दूँ, ये देखो मतलब काफ़ी ज़्यादा ख़राब तो भी नहीं है, लेकिन हाँ धूल वगैरह ज़्यादा लगी हुई है। और भाई अभी बेचारी को रिलैक्स होने के लिए थोड़ा सा टाइम दे देते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्म है यार, और ठंड भी बढ़ चुकी है भाई, थोड़े थोड़े से हाथ भी ठंडे हो रहे हैं, तो ये वाला सही काम आता है भाई हाथ सेकने के लिए, लेकिन अभी बहुत ज़्यादा गर्म है। तो एक बार थोड़ा सा ब्रेक ले लेते हैं, फिर अपना वापस निकलते हैं घर की तरफ। तो भाई अभी टाइम हो चुका है 10:49, मतलब 11 बजे से पहले पहुंच चुका हूं मैं घर पे। और इधर बाइक खड़ी कर दी और इसको भी अनलोड करते हैं। और भाई आप सभी को गुड नाइट, वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, मैं खाना खा के मैं चला सोने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय, गुड नाइट।